अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो व्यूवर्स। अन देखने जाते हैं इस रेसिपी को, घी राइस वो कैसा बनाते हैं देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 1/2 ग्लास मैंने यहाँ जीरक सांबा चावल उठा लेना और मैंने इसे अच्छे से मैं धो कर रख लेना। 3 पानी मैंने धो लेना चाहती हूँ और अच्छे से मैंने 3 पानी धो लेना। 3 पानी अच्छे से धोना क्योंकि उसमें को या को पुराने चावल इसलिए उसमें डस्ट पूरा रंगा, इसलिए मैंने 3 पानी धो लेना। और 3 पानी धोने के बाद मैं उसे एक 15 मिनट्स के लिए अच्छे से भिगने रख देती हूँ पानी में। वो अच्छे से भिगेगा सो अच्छे से रहेगा, इसलिए बास भी अच्छा आएगा जीरा बासमती राइस में। आप बासमती राइस में बिरयानी भी पका खाए सुपर से रहेगा। और मैंने 3 गिलास पानी और मैंने यहाँ पर 2 1/2 ग्लास को मैंने 5 गिलास पानी उठाकर मैं आपको 4 गिलास पानी गर्म करने रख देती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी पकना है इसलिए। और एक चूल्हे में कढ़ाई रखकर तेल डालकर उसमें लौंग पट्टा इलायची डालकर अच्छे से गर्म कर लेना। अच्छे से तल कर गर्म करने के बाद मैंने रखी थी प्याज, मैं आपको इसमें को 5 प्याज काट कर रखी थी लंबे लंबे कर कर, वो प्याज डाल लेना। डालकर अच्छे से एक ब्राउन कलर आए तक मैंने अच्छे से कस लेना। आपको जल्दी ब्राउन कलर आना चाहते हैं तो 1 पिंच नमक डाल लीजिए, अच्छे से कस जाएगा। और अच्छे से कसने के बाद उसमें 1 स्पून उतना नमक मैं डाल लेती हूँ। आपको जितना नमक चाहिए उतना नमक डाल लीजिए। और 1 स्पून नमक डालने के बाद मैंने इसमें 2 स्पून उतना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेती हूँ। आपको जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए उतना डाल लीजिए। मैंने 2 स्पून उतना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेती हूँ। और मैंने 2 1/2 ग्लास राइस उठाई थी इसलिए इसमें आपको एक सांजनक खा सकते हैं मिनिमम, अच्छे से रहेगा। और मैंने उसमें गरम कर रखी थी पानी, वो डालकर अच्छे से मिक्स कर उठने के बाद मैंने रखी थी चावल भी डालकर लिड लेकर क्लोज कर देती हूँ। साइड पर मैंने तवा गरम करने रख दी थी क्योंकि दम छोड़ना है इसलिए। देखिए क्या इतना आने के बाद अच्छे से पानी सूख कर इतना पानी आने के बाद मैंने उसमें तवे पर शिफ्ट कर देती हूँ। शिफ्ट करने के बाद मैंने फॉइल कवर नहीं है इसलिए मैंने न्यूज़पेपर रख कर लिड लेकर क्लोज कर और वेट के लिए पानी रख देती हूँ। आप भी ऐसे ही कर रहे अच्छा रहेगा। और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। कितने मिनट दम छोड़ना है वो आपको आधा घंटा दम छोड़ना है। अच्छे से दम हो गया, मैं उसे अच्छे से मिक्स कर आपको बताती हूँ जैसा है बोलकर। देखिए क्या समसा है, ये ऐसा ही घी राइस बना कर देखिए। आपको होना को तो घी भी डाल सकते हैं, मैंने घी नहीं डाला और अच्छे से रहेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप सर्व करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ दाल चा, इंशाल्लाह मैं दाल चा भी चैनल पर डालूंगी। दाल चा और आलू गोश्त का खुरमा ये सब इसके साथ अच्छा रहता है। मच्छी का सालना, मैं दाल की हूँ ना शामिया का ग्रेवी, वो भी अच्छा रहता है। ऐसे ही मेरे चैनल्स को सपोर्ट करते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, बेल आइकन में ऑल बुल को बटन भी क्लिक करें।